कब तक यूं ही डरते रहोगे और कितने दिन तक इस तरह रोकर अपने बच्चों को बचाओगे? कितने दिन तक तुम लोगों के पति मेरी नजरों से बचेंगे? थाने में जाकर उनके बारे में एक बार पूछताछ कीजिए। चोरी चकारी चेन स्नैचिंग पिक पॉकेट जैसे एक एक के खिलाफ 10-10 केस है। जो मिला उसे लूटकर गलत तरीके से पैसे कमाकर अपनी माँ बहन और बीबी बच्चों का पेट पालते हुए शर्म नहीं आती? क्या करें मैडम, गरीबी हमसे ऐसा करवाती है। क्या बोला? गरीबी की बात करता है? बोरिया उठाने वाला गरीब नहीं है क्या? हाथ गाड़ी चलाने वाला गरीब नहीं है क्या? दुख की परवाह किए बिना रोड खोदने वाला गरीब नहीं है क्या? वो सब अपनी मनोभावना से जीते हुए अमीर लोग हैं। तुम लोगों की तरह उन्हें झूठ कपट धोखेबाजी चोरी करना नहीं आता। तुम लोग जिंदा लाश हो, आलसी लोग हो। मेहनत किए बिना पैसे कमाने के लिए ऐसा गलत रास्ता अपना लिया है। ईमानदारी से कमाने के लिए हजारों रास्ते हैं। अगरबत्ती बनाइए, पापड़ बनाइए और बेचिए, गारमेंट का काम कीजिए, कुली का काम कर सकते हैं, ऑटो चलाइए, गली गली में तरकारी बेचिए। मेहनत से कमाए हुए एक रुपये में भी दुनिया भर की खुशी है। अपने घर वालों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, और फिर भी अगर गलती की तो उनकी जिंदगी मेरे हाथ में है। सोच लेना, समझ लेना। 100% जहाँ डर होता है वहाँ कभी कोई गुनाह नहीं पलटता। मैडम, मिस किरण बेदी, वी आर फ्रॉम विजिलेंस। आपके नाम पर कंप्लेन आई है। बाय द वे, दिस इज द सर्च वारंट। प्लीज कोऑपरेट एंड स्टे वेयर एवर यू आर। प्लीज मूव। यू सर्च। मिस किरण बेदी, आपके पिता एक हेड कांस्टेबल हैं। आप जिंदगी भर भी मेहनत करें तो भी इतना कुछ कमाना नामुमकिन है। और सबसे बड़ा अपराध है एक पुलिस ऑफिसर के घर में अफीम गांजा का पाया जाना। शेम ऑन योर पार्ट, सो यू आर अंडर अरेस्ट। पूरा घर छान मारने पर आपको इतना ही मिला क्या? छान मारने लायक जगह एक और भी है, मैं दिखाती हूँ। दिलीप, जुर्म करने वालों के लिए एक भगवान है तो इंसाफ करने वालों के लिए 100 भगवान है। कानून की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाली इस किरण बेदी को धोखा देना नामुमकिन है। ना, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। वो सारे जकपा देख के उसको जाता है काम। किरण बेदी, एक किरण बेदी, चूर उचक के साए से भागे, दम तोड़े हैं उसके आगे, शोर शोर पुलिस वाले, शोर शोर शोर। वेलकम किरण बेदी, वेलकम। जहां भी देखो तुम ही तुम हो, जहां कहीं जाओ तुम्हारा ही गुणगान है। चाहे टीवी में हो या अखबार में हो, तुम्हारी ही हेडलाइंस हैं। द ग्रेट क्राइम फाइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पुलिस, किरण बेदी। इस हस्ती के सामने चाहे वो कोई भी हो, सर झुकाना ही पड़ता है। मेरे बारे में इतनी तारीफ करते हो और ऐसे घटिया काम करते हो। तूने मेरे घर भेजे थे ना वो सभी जोकर, लॉकअप पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया और ना ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे वो लोग। जिस दिन तुम लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना,
सीधे फांसी पे लटकोगे। प्यारी बहना, अरे पहली बार तो तुम हमारे घर पर आई हो, मारने की बात कहाँ करती हो? आ? प्यार से बैठकर कुछ बात बात करो। हमसे टकराओगी तो लुट जाओगी, बर्बाद हो जाओगी, फिर बाद में मुझे मत कहना। समझ गए बहना? तुम काफी एजुकेटेड हो, प्रतिभावान हो, अपने पूरे करियर को पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों सड़ा रही हो? अपने बाप का मान रखने के लिए जरा सी गवर्नमेंट की तनख्वाह पर अपनी जिंदगी गुजार रही हो। हमारे साथ काम करो, जितना चाहिए बटोरो, लाइफ में सेटल हो जाओ, एंजॉय। लुक, कितने पुलिस ऑफिसर्स रिश्वत लेते हैं, फर्ज निभाने की बात सिर्फ एक दिखाता है, क्या करते हैं और कितना कमाते हैं ये जानना जरूरी है। अपना खून पसीना एक करके भी तेरा पगार महीने में 35,000 से 40,000 रुपया होगा, लेकिन आज तो 20 साल का एक लड़का भी एसी रूम में कंप्यूटर चलाकर ITBT करता है और उसका महीने का पगार 1,00,000 रुपया होता है। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बंगला बनाने का ख्वाब देखता है, उसके घर में स्विमिंग पूल, बड़ी सी कार, गार्डन और बड़ा सा हेलीपैड होता है और वो रोज स्विमिंग पूल में तैरकर मजा लेता है। गवर्नमेंट तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों को जो तनख्वाह देती है वो लेट हो सकती है, लेकिन मैं जो हफ्ता देता हूँ ऑन टाइम। तुम लोगों की बातों में आकर बहक जाने के लिए, तुम लोगों की मार से डर कर सलाम मारने के लिए, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले दूसरे ऑफिसरों की तरह मत समझो मुझे। जो कानून को अपना खेल समझता है उसी को कांटे पर बिठा देती हूँ मैं। तुम जैसे कुत्तों का शिकार करने के लिए ही तो मैं पैदा हुई हूँ। हम जहाँ बैठे वही असेंबली है, जहाँ बोले वही पार्लियामेंट है। अपना नंगा राज बंद करके बैठ जाओ, वरना तुम्हारी ताकत तुम्हारे कारोबार का अंत करके सबसे रस्ते पर भीख मंगवा सकती हूँ। महीने में 35,000 रुपए तनख्वाह, 2 जोड़ी खाकी वर्दी और 1 जोड़ी ब्राउन जूते, इस शहर के किसी छोटे से थाने में 4 पुलिस कांस्टेबल और 2-4 SI को मेंटेन करने वाली, अगर तुझे अपने आप पर इतना गुरूर है तो इस पूरे राज्य में 224 MLA और 29 MPO में से किसे जीतना चाहिए किसे हारना चाहिए इसका फैसला करता हूँ मैं, पूरे गवर्नमेंट को मेंटेन करता हूँ मैं, और ये मुझसे उलझ रही है। और कुछ जानना चाहती है तू? और जानने का कोई शौक नहीं है मुझे और फुर्सत भी नहीं है। कानून मेरे लिए 2 आंखें हैं, अगर उस पर कोई बुरी नजर डालता है तो उसकी आंखें नोचकर अंधा कर देती हूँ उसे, समझे? किरण बेदी, अभी तू बच्ची है, बेहतर होगा किसी कोने में लुका छुपी खेले तू, इस भूपति की ताकत के साथ मत खेल। मिस्टर भूपति, अपनी जबान को लगाम दीजिए वरना कुत्तों को खिला दूं। खुद को क्या समझती है, हमारे घर में आकर मेरे बाप को तू धमकी देती है? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे पिस्तौल दिखाता है? अरे तेरी। एक बात अच्छी तरह जान लो, ये किरण बेदी किसी भी वक्त तुम लोगों की कहानी खत्म कर सकती है, समझे? आसमान से गिरते हुए तारे को जिस तरह रोका नहीं जा सकता, कमान से निकले हुए तीर को जिस तरह रोका नहीं जा सकता, उसी तरह इस किरण बेदी की फोर्स को भी कोई नहीं रोक सकता। किरण बेदी से टकराने की बात पर जिस दिन तुम्हें पछतावा होगा उस दिन तुम्हारी ये काम आएगा। ऑफिसर्स, पुलिस रिलीफ फंड से इस किरण बेदी के लिए एक फूलों का हार और फोटो फ्रेम खरीद कर लाओ। हमने पहले ही अपनी तनख्वाह में से 4 हार लाकर तैयार रखा है, जस्ट वेटिंग फॉर मैडम्स ऑर्डर।